ठंडियों में जब भी हमें कुछ चटपटा खाने का मन हो सुबह शाम के नाश्ते में, तो हम सोचते हैं क्या बनाएं, तो क्यों ना घर में कुछ स्पेशल तरीके से जो कम समय में बनकर तैयार भी हो जाए और आपके घर में सामान अवेलेबल रहें। तो ठंडियों के मौसम पे हरे मटर तो बहुत ही मिलते रहते हैं, क्यों ना घर में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनाया जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कप सूजी लिया था, उसी के साथ हम एक कप पानी डाल देंगे। अब इसे क्या करना है, हमें मिक्स कर लेना है। तो एक मेजरमेंट आप सेट कर लीजिएगा फ्रेंड, उससे काफ़ी आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसे हमें ढक कर रख देना है 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तब यहाँ पे देखिए, मैंने हरे मटर लिया है। तो सर्दियों के मौसम में फिर हरे मटर तो काफ़ी मिलते हैं, तो क्यों ना हरे मटर का बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार नाश्ता बनाया जाए फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार भी होता है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरा तरीका है फ्रेंड, आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो देख सकते हैं मैंने हरे वटाना को ले लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 इंच अदरक, इसका मैंने छिलका निकाल दिया है। साथ ही हम तीखे के अनुसार 2 या 3 हरी मिर्च ले सकते हैं और 5 से 6 कली लहसुन ले लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं, ताकि मिक्सी के जार में अच्छे से ये पीस सके। अब इसे हम चलिए पीस के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी अच्छे से हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं इसे चम्मच से दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमें पेस्ट चाहिए इसका। तो चलिए अब सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए देखिए, मैं चम्मच से चला के दिखा रही हूँ आपको, तो काफ़ी अच्छे से फूल के तैयार हो गया है फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे पेस्ट तैयार किया था उसे भी हमें ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद जो देखिए अब मिक्सी के जार में हमें लगा है फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा क्यों ना पानी डाल दें, वेस्ट क्यों करना। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम मिक्स करके डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने काफ़ी अच्छे से डाल चुका है इसे भी। अब इसे हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स करते रहना है, ताकि इसमें जो भी हमारा हरे वटाना और सूजी का पेस्ट अच्छे से घोल तैयार हो जाए। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम डाल देते हैं 1 मीडियम साइज का ऑनियन, साथ ही इसमें हम डाल देंगे फ्रेंड थोड़ा सा जीरा। तो 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, जीरा से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो ज़रूर डालिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च के पाउडर से क्या होता है ना, कि थोड़े से स्पाइसी में आते हैं और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए ज़रूर डालिएगा। अब देखिए, 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर का यूज किया है और 1/2 चम्मच गरम मसाला ले लिया है। अब यहाँ पे 2 चम्मच हम दही डाल देंगे। अगर फ्रेंड यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रही हूँ, अगर दही ना हो तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं, 1 नींबू का आप रस निचोड़ के इसमें डाल दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता तैयार होगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ ही इसमें हम डाल देते हैं भुना हुआ जीरा। तो 1/4 चम्मच मैंने ले लिया है फ्रेंड, इसका फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैंने ले लिया है इसे भी। स्वाद अनुसार अब हमें नमक डाल देना है। अब इसे हमें इस मसालों को सबसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें सब जगह अच्छे से मिल भी जाए और हमारा टेस्टी नाश्ता बनने के लिए तैयार हो जाए। तो काफ़ी अच्छे से हम इसे पेस्ट को तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं, लगातार मिक्स करते हुए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें लास्ट प्रोसेस में हमें डाल देना है 1 स्पंज सोडा, खाने वाला सोडा है फ्रेंड। तो देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है आपको, थोड़ा सा कम डाला। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया था, उससे भी कम मैंने डाला है। तो समझ लीजिए, आप हाथों से डालेंगे तो 1 स्पंज ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है आपको। अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे, इससे हमारा नाश्ता काफ़ी फ्लफ़ी बनता है और थोड़े से क्रिस्पी मज़ेदार बनते हैं फ्रेंड। तो ज़रूर डालिएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं, अब अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पैन रख लीजिएगा, पैन में आपको 1 से 2 चम्मच ऑयल डालना है। तो छोटा वाला चम्मच है फ्रेंड, थोड़ा सा डालना है। साथ ही इसमें डाल देते हैं हम 1/2 चम्मच सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स, और उसके बाद हम यहाँ पर 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देते हैं। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा क्रिस्पी फ्लेवर भी आता है और बहुत ही टेस्टी खुशबू आती है फ्रेंड। तो इसे क्या करना है, थोड़ा सा हमें रोस्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे बैटर को हमें डाल देना है। तो छोटे वाले कलछी से 2 से 3 कलछी आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी अच्छे से मिल डाल के हम इसे सेप दे देंगे, तो काफ़ी अच्छे से सेप ले लेता है, बहुत ज़्यादा हमें झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देख सकते हैं, खाली हल्के हाथों से आप फैला लीजिएगा, अच्छे से फैल जाए। तो भी क्या करना है, इसे हमें ढक कर रख देना है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, लो फ्लेम पर रखेंगे, ताकि एक साइड काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाए। जब अच्छे से सूख जाए फ्रेंड, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, अब इसे हमें पलट लेना है।
तो दे सकते हैं फ्रेंड। घर के ही पड़े सामानों से आप बहुत ही टेस्टी और फ्लफी नाश्ता तैयार भी कर सकते हैं और हरे मटर का ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो गर्मा गर्म आप सुबह शाम के नाश्ते में ये हेल्दी होने के साथ साथ काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार भी है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और सुबह शाम के नाश्ते में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो दूसरे साइड में मैंने ढककर इसे एक मिनट के लिए रख लिया था, तो देख सकते काफ़ी अच्छे से हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देख सकते हैं कितने झटपट बहुत ही आसान तरीके से इसे आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको दिखा दे रही हूँ। देख सकते हैं आपको ऐसे ही तेल डाल देना है, तेल डालने के बाद थोड़े से मस्टर्ड सीड्स और तिल डाल देने हैं, अच्छे से फैला के इसे आप ढककर रख दीजिएगा। बहुत ही फटाफट ये नाश्ता आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए इसी तरह मैं फटाफट सबको बना लेती हूँ। तो आपको एक कप सूजी से फ्रेंड देखिए यहाँ पे तीन बड़े साइज़ के हमारे नाश्ते तैयार हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी और मज़ेदार ये नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, तभी आपको पता चल पाएगा कितनी टेस्टी आप हेल्दी नाश्ता घर में घर के बड़े सामानों से आराम से तैयार कर सकते हैं। तो फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सर मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। देख सकते हैं पहले कितने फ्लफी बने हैं, तो आपको तो देखने से ही पता चल रहा होगा कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए। फिर इसे मैं कट करके दिखा रही हूँ, कट कर लेती हूँ तो इसके बाद तोड़ के दिखा रही हूँ। फिर देख सकते हैं कितने टेस्टी हमारे तैयार हुए हैं। कोई भी नहीं बता पाएगा फिर कि आपने इसे सूजी और हरे मटर का नाश्ते से तैयार किया है, बहुत ही टेस्टी और गेहूं के आटे की तरह लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो झटपट देखिए मज़ेदार इस तरह नाश्ता एंजॉय कीजिए, आप तीखी चटनी और केचप के साथ एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।